इलेक्ट्रिक बाइक में ECU का प्रॉब्लम आता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अभी यहाँ देखिए, डिस्प्ले में पार्किंग हटाने के बाद में जैसे ही रेस देते हैं तो ECU आ रहा है। ये क्यों आता है ये हम पूरा फुल्ली बताएंगे कि कैसे आता है और इसको कैसे हटाया जाता है। एक बार तो प्रॉब्लम ये होता है कि मोटर अगर शॉर्ट हो रही तो भी ECU का प्रॉब्लम आएगा, उसके साथ साथ मोटर का भी इंडिकेशन आएगा इसमें। अगर वायरिंग शॉर्ट है तो भी ECU का प्रॉब्लम दिखाता है, लेकिन हमने मोटर की वायरिंग के कनेक्शन आउटपुट जो मोटर में जा रहा है कंट्रोलर से वो हटा दिए, ओनली यहाँ पे कंट्रोलर कनेक्टेड है, तो यहाँ पे ECU का इंडिकेशन आ रहा है फिर भी, मतलब कि हमारे कंट्रोलर में कुछ प्रॉब्लम है। तो हमको सबसे पहले कंट्रोलर को खोलना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा, फिर हम चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसके लिए हम कंट्रोलर को खोल लेते हैं। ये जो कंट्रोलर लगा है ये देखिए, मोटर के वायर पहले ही रिमूव करके रखे हुए है, फिर भी ECU का इंडिकेशन आ रहा है, मतलब कंट्रोलर के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। तो चलिए हम इसको खोल लेते हैं, फिर देखते हैं। अभी हमने कंट्रोलर खोल लिया है, अब इसका बैक साइड का कवर भी खोल लेंगे, एक कवर भी निकाल लिया। अब इस तरीके से पूरा कंट्रोल कार्ड निकाल लेते हैं बाहर। ये ऐसे एक्स्ट्रा इसमें स्लीव्स नहीं रहेंगी, ये रिपेयर्ड कंट्रोलर है। इसको चेक कर लेंगे, इसमें तीन पार्ट होते हैं, हर एक पार्ट में डबल डबल मॉस्फेट लगे हुए हैं। तो हम यहाँ से चेक कर लेंगे, ये मॉस्फेट की डायोड रेंज सही आ रही है, ये भी मॉस्फेट की डायोड रेंज सही आ रही है, ये भी मॉस्फेट की सही आ रही, ये भी। अब ये थर्ड ब्रिज में देखिए एक शॉर्ट हो रहा है, यहाँ पे शॉर्टिंग हो रहा है, इसी शॉर्टिंग के वजह से इसमें ECU का प्रॉब्लम आता है। तो हमको इस शॉर्टिंग को हटाने के लिए ये मॉस्फेट चेंज करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो मॉस्फेट है इसमें लगे हैं उस वाला मॉस्फेट नहीं है, दूसरे मॉस्फेट है। तो हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे मॉस्फेट 12 मॉस्फेट जो है पूरे रिप्लेस कर देंगे। तो हम इसको रिमूव कर लेते हैं सारे मॉस्फेट्स को, और फिर उसके बाद में नए मॉस्फेट लगा देंगे। तो यहाँ पे वीडियो को हम थोड़ा स्पीड दे देते हैं जिससे कि टाइम कम लगे, और आप वीडियो में बने रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पे देखिए, ये शॉर्टिंग वाला मॉस्फेट हमने निकाल लिया है। ये वाला मॉस्फेट जो है शॉर्ट है, वो वाला ओके है, तो ये शॉर्टिंग वाला हटा देते हैं और ये सारे मॉस्फेट बाकी ओके है उनको निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास ये वाला मॉस्फेट अवेलेबल नहीं है अभी, तो हम दूसरे मॉस्फेट डालेंगे उसमें सारे, और उसके बाद फिर चेक करेंगे। तो यहाँ अभी हम सारे मॉस्फेट को रिमूव कर देंगे। हमने देखिए अभी सारे मॉस्फेट रिमूव कर दिए हैं, ये लास्ट वाला भी निकाल दिया, और सारे होल्स को क्लियर करना पड़ेगा एक बार। तो एक हम होल्स को क्लियर करके नए वाले मॉस्फेट इसमें फिट कर देते हैं। आप वीडियो में इसी तरह बने रहिए, फिर हम इसको लगा करके भी दिखाएंगे कि कैसे ये आपका ECU का प्रॉब्लम जाता है मॉस्फेट रिप्लेस करने से। आप वीडियो में ऐसे ही बने रहें, थैंक यू, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर कुछ आपको फिर भी वीडियो में लग रहा है डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।
और वीडियो में बने रहिए, आगे हम देखेंगे रिप्लेस करने के बाद। ये हमने नया एक मॉस्फेट लगा दिया है। इस तरह हम सारे मॉस्फेट पहले लगा देंगे, फिर उसमें टेस्टिंग करेंगे। आप ये देख रहे होंगे ऊपर जो एक काला वाला वायर है, इसके साथ में रेजिस्टेंस लगा रहे हैं दो। इसमें क्या हुआ है कि रेजिस्टेंस जो SMD रेजिस्टेंस है अंदर कार्ड में, कार्ड के ऊपर, वो ख़राब हो गया है। तो उस SMD रेजिस्टेंस को हम सोल्डिंग नहीं कर पा रहे अंदर, तो इसको अलग से बाहर लगा रहे हैं SMD रजिस्टर को। इसमें हर एक मॉस्फेट के लिए 10 ओम का एक रजिस्टर होता है जो कि उसके गेट में लगा होता है। तो उसमें हम ड्राइवर के लिए 10 ओम का रजिस्टर लगाते हैं, जो हम एडजस्ट करके वायर को सोल्डिंग कर दिया है, वहाँ से बाहर निकाल के दोनों मॉस्फेट में उसके रजिस्टेंस 10 ओम के लगा के सप्लाई दे देंगे, जिसमें कि ऑन ऑफ आसानी से हो सके। अगर ये नहीं लगाएंगे तो हमारे मॉस्फेट काम ही नहीं करेंगे। तो इसका ज़रूर ध्यान रखें कि अगर कोई मॉस्फेट ख़राब होता है तो उसके साथ साथ उसका रेजिस्टेंस, जहाँ से पल्स आती है मॉस्फेट के लिए, वो रेजिस्टेंस भी ख़राब होता है, तो उसको रिप्लेस करना ज़रूरी हो जाता है। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि उसके रेजिस्टेंस रिप्लेस ज़रूर करें। ये 10 ओम के रेजिस्टेंस है इसमें लगे हुए, कहीं कहीं 22 ओम और 33 ओम के भी लगे होते हैं, तो वो पहले देख ले कि कितने ओम का रेजिस्टेंस लगा है, उस हिसाब से लगा है। ये जो लगा है का ब्लैक वाला, उसी तरीके से हमको यहाँ पे भी लगाना है, तो हम इसको लगा देते हैं। यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लगा दिया है, अब हम एक बार इसको चेक कर लेंगे। पिक भी कर दिया है हमने, पिक करने के बाद इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये शॉर्टिंग तो नहीं है इनपुट और आउटपुट के साथ में। अगर हम रेड वाले पे रेड वाला लगाएंगे तो यहाँ पे कैपेसिटेंस बनता है, जिससे कि ये वाली रेंज दिखाएगा। अगर ब्लैक वाले पे रेड लगाते हैं तो हमको डायोड रेंज दिखाई देती है। इसका मतलब कि हमारा कंट्रोलर सही है, कहीं पे कोई शॉर्टिंग वगैरह नहीं है। अब हम इसको बाइक में लगा के देखेंगे, हमारे स्कूटर जो है हमारा ई बाइक। अभी हमने सारा कनेक्ट कर दिया है, अब हम ऑन करते हैं। ये पार्किंग आ गया और ये एक्सीलेटर देते हैं। अभी यहाँ ECU का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। अब हम मोटर के भी वायर उसमें कनेक्ट कर देते हैं। मोटर के वायर कनेक्ट करके कर दिए हमने। अब ये चालू करेंगे MCB, और ये चालू किया तो पार्किंग आया। अब हम रेस देके देखेंगे। अब हम जैसे ही रेस दे रहे हैं, हमारी मोटर चलने लग गई।
मतलब हमारा कंट्रोलर सक्सेसफुली काम करने लग गया है। इस तरीके से हम ECU का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं। एक प्रॉब्लम इसी तरीके से और आता है, अभी यहाँ पे एक ही MOSFET हमारा ख़राब हुआ था। अगर दोनों MOSFET शॉर्ट होते हैं ब्रिज में, तो उसमें क्या होता है कि आपका कंट्रोलर वगैरह ऑन ही नहीं होता है, क्योंकि वो शॉर्टिंग हो जाता है, तो MCB ट्रिप हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपके कंट्रोलर में कुछ प्रॉब्लम है, वही MOSFET का ही प्रॉब्लम होता है। अगर वो शॉर्ट हो जाएंगे तो हमारा कंट्रोलर ऑन ही नहीं होता है। इस तरीके से आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हम ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं जिस जो कि ई बाइक में प्रॉब्लम आता है, तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक